नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, पालघर पुलिस ने आज एक ऐसे मामले का खुलासा किया जिसको सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाए। दरअसल पालघर पुलिस ने चोरी की वारदात अंजाम देने वाले एक गिरोह को हाल ही में गिरफ्तार किया है और उस गिरोह के पास से एक नहीं, दो नहीं, पूरी 38 बाइक चोरी की जब्त की। हालांकि 38 बाइक में से कुछ बाइक ये अपराधी बेच चुके थे, पुलिस ने वहां से रिकवर की। और जब 38 बाइक इनसे हस्तगत की गई है, रिकवर की गई है, तो जाहिर सी बात है कि ये बाइक जिन जिन क्षेत्रों से उठाई गई है उनकी संख्या भी कई अधिक है। फिर वही 5 जिले, मुंबई, नासिक, नवी मुंबई, ठाणे और पालघर, इन 5 जिलों के अलग अलग 15 पुलिस स्टेशन, 15 से अधिक पुलिस स्टेशन की हद में इन्होंने सन 2021, 22 और 23 में ये चोरियां अंजाम दी, बाइक जो है वो चोरी की। इन सभी मामलों का खुलासा पिछले समय में नहीं हो पाया था, लेकिन अभी यह खुलासा हो पाया पालघर पुलिस की क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन में। दरअसल पिछले दिनों 20 तारीख को पालघर पुलिस की क्राइम ब्रांच रात के समय में बोईसर क्षेत्र में जब पेट्रोलिंग कर रही थी, तब उनको एक संदेहजनक बाइक पर, बिना नंबर की गाड़ी पर कुछ लोग दिखाई दिए। तब उन्होंने वहां पूछताछ की तो पता चला कि वो लोग आरोपी तैयारी करके आए थे दरोड़ा डालने की। उनके पास में तब धारदार हथियार पुलिस को मिले, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उनको पुलिस रिमांड में सौंपा और पुलिस रिमांड में जब आगे की पूछताछ की गई तो इन आरोपियों ने अपने और साथियों के नाम उगले और इन 36 बाइक का, पूरा 38 बाइक का जो मामला है वो उसका खुलासा हुआ। ये जो मुद्देमाल पुलिस ने हस्तगत किया है उसकी कीमत करीब करीब 19 लाख 60 हजार आकी जा रही है। और इस पूरे मामले पर आज पालघर पुलिस के आला अधिकारी, पालघर जिला एसपी ने बोईसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए पत्रकारों को जानकारी दी। वीडियो में आगे सुनिए क्या कुछ कहना है पालघर जिला एसपी का। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। मोटरसाइकिल चोरीच्या बाबतीमध्ये टार्गेट ठेवलं होतं प्रत्येक पोलिसांना आणि एनसीबीला, या संदर्भात सूचना दिलेल्या होत्या। एनसीबीचे पथकांनी यामध्ये सागर पाटलांच्या मार्गदर्शनाखाली आपले एनसीबीचे प्रभारी अधिकारी आणि विभूते आणि त्यांच्या अंतर्गत काम करणारे सागर पाटील आणि त्यांचं पथक यांनी या बाबतीमध्ये स्पेशल पेट्रोलिंगच्या दरम्यान रात्री 20 तारखेला रात्री 21 दरम्यान भोसरच्याच हद्दीमध्ये एका ठिकाणी संशयित लोकांना त्यांनी ताब्यात घेतलं। त्यांच्याकडून 3 लोकांना या बाबतीमध्ये माहिती, अधिकची माहिती घेतल्यानंतर त्यांना लक्षात आलं की इथेच असणाऱ्या एका कंपनीच्या बाबतीमध्ये कॉपर चोरीच्या प्रकरणामध्ये त्यांनी तो प्लॅन केलेला होता। त्या अनुषंगाने त्याच्यावर आयपीसी 399/402 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्याच्या इंट्रोगेशनमध्ये आणि त्यांच्याकडे असणाऱ्या मोटरसायकल चेक केल्यानंतर त्यांना एक हे मोटरसायकलच्या चोरी संदर्भातलं खूप मोठी माहिती ओपन झालेली आहे। त्यामध्ये साधारणतः आतापर्यंत 38 मोटरसायकली ह्या ताब्यात घेतलेल्या आहेत। त्या 38 मोटरसायकली ह्या नाशिक ग्रामीण, शहापूर, पालघर जिल्हा, मीरा भाईंदर या भागामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी विक्री केलेली आहे। त्या मोटरसायकली ह्या लोकांनी ऑलरेडी त्या लोकांना, म्हणजे ज्यांना घ्यायची मोटरसायकल, त्या लोकांना विचारून की तुम्हाला कुठलं, म्हणजे कुठली मोटरसायकल पाहिजे असं विचारून ठरवून ते इकडे येऊन मोटरसायकल चोरी करून घेऊन जायचे। म्हणजे आधी रिसिव्हर ठरवायचे की कोणत्या ठिकाणी मोटरसायकल द्यायची आहे आणि त्या ठिकाणी ती मोटरसायकल त्या बाबतीमध्ये त्या चोरी केलेल्या आहेत। 38 मोटरसायकल वेगवेगळ्या प्रकारच्या मोटरसायकल आहेत, त्यापैकी 25 मोटरसायकली आतापर्यंत त्याच्या संदर्भात गुन्हे दाखल आहेत ऑलरेडी। त्यापैकी 7 गुन्हे हे पालघर जिल्ह्यातील विविध पोलीस स्टेशनला दाखल झालेले आहेत। उर्वरित गुन्हे मीरा भाईंदर मध्ये
नाशिक ठाणे ग्रामीण मध्ये आणि नाशिक ग्रामीण मध्ये वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनला दाखल झाली आहे. म्हणून मोटरसायकलच्या संदर्भात सुद्धा चॅसिस नंबर आणि त्याच्या इतर रजिस्ट्रेशन नंबरवरून प्रत्यक्षात गुन्हे दाखल झालेले आहेत किंवा मिशिंग मध्ये मोटरसायकल आहेत किंवा काय परिस्थिती आहे या संदर्भातील चौकशी पथक करत आहे. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786